रात की काली चादर ओढ़े बैठा गाजा पट्टी डरा सहमा और सन्नाटे में था। तभी खतरे का काउंटडाउन शुरू हो गया। 5, 4, 3, 2, 1 और धमाका इतना जोरदार था कि मीलों दूर तक इलाका उस धमाके से निकली आग की लपटों से रोशन हो गया। आसमान चमक उठा और गाजा दहल उठा और गाजा से इजराइल तक की धरती थर्रा उठी। चंद सेकंड बाद दूसरा धमाका होता है, इसके कुछ सेकंड बाद एक और धमाका होता है और हमास के तीन ठिकाने हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गए। इन धमाकों के बाद अगर हमास सोच रहा था कि इस रात इजराइल के हमले का कोटा पूरा हो गया तो हमास बड़ी गलतफहमी में था। ये तो तूफान के आने की आहट भर थी। इजराइल अपने दुश्मनों पर कितना ताबड़तोड़ और कितनी बेदर्दी से हमला करता है ये आपको आने वाली तस्वीरों से साफ नजर आएगा। तो अगले चंद सेकंड तक इस स्क्रीन से नजरें मत हटाइएगा, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अब से पहले दुनिया ने कभी नहीं देखी। गाजा पर कयामत की वही रात, कैमरे का वही फ्रेम जिसमें उजाले में नजर आ रहा इजराइल और अंधेरे में डूबा गाजा दिख रहा है, लेकिन दोनों तस्वीरों में गाजा पर बरस रही मौत की मार अलग है। तीन बड़े धमाकों के बाद कुछ देर बाद ही गाजा पट्टी पर 4 मिनट 37 सेकंड तक नॉनस्टॉप मिसाइलें बरसती हैं। मिसाइलें इतनी कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन मिसाइलों का गिरना कम नहीं होगा। ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये इसराइल के हथियार गोदाम से निकाली गई ताजा तरीन भयंकर भूचाल लाने वाली, दुश्मन के इलाके में बर्बादी का बारूद बरसाने वाली मिसाइल है। ऐसी मिसाइल गिने चुने देशों के पास ही है। खबर थी कि इजराइल भी ऐसी मिसाइल बनाने की पुरजोर कोशिश में जुटा है, लेकिन गाजा पर हो रहे इस हमले को देखकर साफ हो गया कि इजराइल भी उन चुनिंदा देशों के लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी तबाही मचाने वाली मिसाइल है। ये कौन सी मिसाइल है इसके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले इस मिसाइल हमले को जरा गौर से देखिए, तब आपको इसकी खासियत समझ आएगी। इस वीडियो के पहले फ्रेम में ही गाजा के आसमान में सफेद धुएं की 15 लकीरें नजर आ रही हैं। ये 15 लकीरें 15 मिसाइल हमले की गवाही दे रही हैं। यानी एक मिनट के अंदर गाजा के इस इलाके में 15 मिसाइलें गिर चुकी हैं, जबकि बाकी की मिसाइलें अभी रास्ते में हैं। तभी आसमान में दो चमकदार रोशनी नजर आती है। ये इजरायली सेना का लाइटनिंग वेपन है जो रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे हमले वाले इलाके में टारगेट साफ साफ देखा जा सकता है। और हमले के बाद ये भी क्लियर हो जाता है कि ये हमला कामयाब रहा या नहीं। इस रोशनी के बीच एक मिसाइल आती नजर आ रही है जिसे आपको गौर से देखना चाहिए। पहले दूर आसमान में एक मिसाइल धरती की ओर आती नजर आ रही है, लेकिन ये जैसे जैसे अपने टारगेट के करीब पहुंचती है वैसे वैसे कई हिस्सों में पड़ जाती है। एक ही पल में एक मिसाइल से 6 वॉरहेड अलग हो जाते हैं और अलग अलग जगह हिट करते हैं। अगले 4 मिनट 37 सेकंड तक इसी तरह गाजा के इस इलाके पर मिसाइलों की बारिश होती रही और गाजा का आसमान धुआं धुआं हो गया। अब आइए आपको बताते हैं कि ये कौन सी मिसाइल है जो एक साथ एक ही बार में मल्टीपल टारगेट को हिट कर रही है। दरअसल ये एमआरवी सिस्टम की मिसाइल है। एमआरवी मतलब मल्टीपल री एंट्री व्हीकल, जिसका इस्तेमाल एक बैलिस्टिक मिसाइल में किया जाता है। इस सिस्टम में एक बैलिस्टिक मिसाइल पर एक वॉरहेड की जगह कई वॉरहेड लगाए जाते हैं। वॉरहेड की विस्फोटक क्षमता के हिसाब से इनकी संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है। ये वॉरहेड टारगेट तक पहुंचने के कुछ सेकंड पहले मिसाइल से अलग हो जाते हैं और अपने टारगेट को हिट करते हैं, जिसमें एक ही हमले में एक साथ कई टारगेट ध्वस्त किए जा सकते हैं। इस मिसाइल के काम करने का तरीका क्लस्टर बम जैसा होता है जो दुश्मन के इलाकों में बमों की बारिश कर देता है।
इसीलिए मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइलों को रोक पाना किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि एमआरवी सिस्टम की मिसाइलें किन किन देशों ने विकसित कर ली हैं। इस सूची में अब तक सिर्फ 5 देश शामिल थे, रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जबकि भारत, पाकिस्तान और इसराइल एमआरवी सिस्टम को विकसित करने में जुटे थे। लेकिन इस वीडियो को देखकर साफ हो गया कि इसराइल ने एमआरवी सिस्टम वाली मिसाइल बना ली है और वो इसी मिसाइल से हमास के खात्मे की कहानी लिख रहा है। अपने इन्हीं नायाब हथियारों के दम पर ही इसराइल ने गाजा पट्टी में अब तक हमास के 15,000 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है, जबकि आईडीएफ ने हमास के 6,000 ठिकानों को बर्बाद या जब्त करने का भी दावा किया है। पिछले एक महीने से गाजा पर हो रही बमबारी में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इसराइल का ना तो हमला कम हुआ है ना हमले की रफ्तार कम हुई है।